अब एक्ट ने तो कहा है कि आप लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद सूट फाइल नहीं कर सकते, बट अगर आपने किया तो क्या होगा? तो कोर्ट ये सूट या फिर जो एप्लीकेशन है डिसमिस कर देगा। ये दिया गया है हमें सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद कोई सूट फाइल होता है तो वो सूट, अपील और एप्लीकेशन मैंडेटरीली डिसमिस करना है। और अब आप बोलोगे कि ये स्ट्रिक्टली सूट्स और एप्लीकेशंस को बार कर रहा है अगर वो लिमिटेशन पीरियड के बाद फाइल होते हैं, तो ये एक्ट इस तरह वर्क नहीं करता। बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट्स के लिए ये एक्ट कुछ एक्सक्लूजन्स और एक्सेप्शंस भी प्रोवाइड करता है। तो ये एक्सक्लूजन, एक्सेप्शन और सेक्शन 3, ये सब हम लिमिटेशन एक्ट में पढ़ने वाले हैं। सो हियर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। अगर एक सूट फाइल करना है, उसके लिए लिमिटेशन पीरियड जो प्रोवाइड किया गया है वो है 3 साल। तो 3 साल तक वो इंसान फाइल नहीं करता, बट वो जो 3 साल जब खत्म होने वाले हैं, लास्ट डेट जब है, उस दिन वो इंसान सूट फाइल करने के लिए जाता है, बट उस दिन कोर्ट क्लोज रहता है। वो दिन वर्किंग डे होता है, फिर भी कोर्ट क्लोज होता है। तो इस तरह अगर उसका सूट बार कर दिया गया तो वो उस इंसान के लिए इनजस्टिस होगा, राइट? तो लिमिटेशन एक्ट कहता है कि अगर लास्ट डे पे कोर्ट बंद है तो उसके अगले दिन इंसान सूट, अपील और एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। यह हमें दिया गया है सेक्शन 4 में, एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब सेक्शन 4 का नाम है एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। अभी तक मैं कहते आ रही हूँ कि लिमिटेशन पीरियड या फिर पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता चलेगा सेक्शन 2 क्लॉज J ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सो ये क्या कहता है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द स्केड्यूल। तो स्केड्यूल में जो हमें दिया गया है, जो एक्ट के एंड में है, 3 साल, 12 साल, जो भी दिया गया है वो होगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन। और प्रिस्क्राइब पीरियड मतलब क्या? इट मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो आप बेयर एक्ट में देख सकते हो, लिमिटेशन एक्ट का पार्ट 3 जो है उसका टाइटल है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। मतलब जो स्केड्यूल में दिया गया है उनमें अगर आप कुछ एक्सक्लूजन्स ऐड करेंगे तो टोटल जो होगा वो होगा हमारा प्रिस्क्राइब पीरियड। सो पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्लस एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन मतलब कुछ टाइम एक्सक्लूड किया जाता है और वो लास्ट में, एंड में ऐड किया जाता है। वो कैसे होता है वो हम सारा डिटेल में देखने वाले हैं। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्लस एक्सक्लूजन इज इक्वल टू प्रिस्क्राइब पीरियड। तो ब्रॉडली हम इस एक्ट में 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 3 विच डील्स विद बार ऑफ लिमिटेशन। फिर उसके बाद सेक्शन 4 टू 11 जिनमें सारे एक्सेप्शंस दिए गए हैं। और एंड में हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 टू 24 जिनमें एक्सक्लूजन्स दिए गए हैं।